अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच एंड माई सेल्फ कासिक जनफर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास चार तरह के होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम OS भी कहते हैं, और यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से, बायोस। रीड ओनली चिप ऑन मदरबोर्ड। कंप्यूटर पे हम जब भी कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं, कंप्यूटर को कोई भी डाटा फ्राहम करते हैं, तो वो CPU के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसके ज़रिए मॉनिटर को हमारा डाटा या इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। तो उसके साथ एक रीड ओनली चिप लगी होती है, रोम चिप जिसे हम कहते हैं। तो ये काम कौन सा अंजाम देता है? बायोस सॉफ्टवेयर। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यूज़र कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शन देता है या कंप्यूटर पे जो भी इंस्ट्रक्टिव ऑप्शन आते हैं, रीस्टार्ट के या कोई भी ऑप्शन आता है, तो वो ऑप्शन भी बायोस सॉफ्टवेयर देता है। सेकेंड टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS सॉफ्टवेयर, यूज़र इंटरफेस। OS सॉफ्टवेयर हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल ओपन करें या कोई भी किसी वीडियो एडिटिंग का एक इंटरफेस ओपन करें, तो उस पर जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सेटिंग्स के, प्रोफाइल के, पोस्ट के, एडिटिंग के, कोई भी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो OS सॉफ्टवेयर हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा OS सॉफ्टवेयर हमें एप्लीकेशंस को रन करने में भी हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे फाइल स्टोरेज। जब हम किसी भी फाइल में कोई डाटा को स्टोर करते हैं तो वो भी हमें OS सॉफ्टवेयर उस चीज़ को सरंजाम देता है। कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर। जब हम कंप्यूटर को डाटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो CPU के ज़रिए मॉनिटर तक पहुँचती है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि CPU के अंदर मदरबोर्ड के साथ एक चिप होती है, उसके ज़रिए मॉनिटर तक हमारा डाटा पहुँचता है। तो जब मॉनिटर तक हमारा डाटा पहुंचता है तो मॉनिटर का इंटरनली पार्ट है सॉफ्टवेयर। तो जब वो कीबोर्ड या माउस इनके साथ अटैचमेंट करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर। उनके साथ CPU के साथ वो कोऑर्डिनेट करके हमारे उसे CPU के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके डाटा को एक्सेस करके मॉनिटर हमें रिजल्ट शो करवाता है। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सरंजाम देता है। दी थर्ड टाइप है यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें एरर करेक्शन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्किंग कर रहे हों तो हमें एरर कोई भी अकर हो तो उसे कौन फाइंड करता है? ये काम सारा कौन करता है? यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। जब भी हम कंप्यूटर की ओवर यूजिंग करते हैं या कोई भी वर्किंग कर रहे हों तो कंप्यूटर थोड़ा सा वार्म अप हो जाए तो हमें साइड पर एक ऑप्टिमाइज का या रीस्टार्ट का या रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर माई डिवाइस को किसी भी वायरस से, आने वाले वायरस से प्रोटेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर की फोर्थ टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल्स को शो करता है। प्रोडक्टिविटी टूल्स इट मीन्स के जब भी हम कोई भी इंटरफेस ओपन करते हैं तो उसके साथ हमें जो भी ऑप्शन होते हैं, सेटिंग्स, एडिटिंग या इसके अलावा इसके साथ कोई भी ऑप्शन ऐसे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मुख्तलिफ किस्म के इन ऑप्शंस को, ये पूरे टूल्स को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स। जिन ऑप्शंस के ज़रिए हम अपने काम को बआसानी सर अंजाम दें उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स। प्रोडक्टिविटी टूल्स तकरीबन हर वीडियो एडिटिंग में, फेसबुक के एड्स चलाने में भी, फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल में और किसी भी किस्म के इंटरफेस में प्रोडक्टिविटी टूल्स मौजूद होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में है गेम्स और ग्राफिक्स। फोर्थ पॉइंट है मल्टीमीडिया, जिसमें हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, वीडियो एनिमेशन एंड मच मोर, ये सारा मल्टीमीडिया में इंक्लूड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया को भी कंट्रोल करता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली मिलती रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।